दोस्तों हार्दिक पांड्या ने ऐसी पारी खेली जिसे देखने के बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। जी हां दोस्तों, दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच खेला जा रहा है और इस मैच में शुरुआत में तो भारत दबाव में थी क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली सस्ते में चलते बने थे, लेकिन इसके बाद केएल राहुल, सूर्य और हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोकर रख दिया था, खास करके हार्दिक पांड्या। पांड्या ने एक बार फिर बता दिया कि क्यों उन्हें भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक माना जाता है। पांड्या ने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया और भारतीय टीम की पारी को 208 तक ले जाने में सफल रहे। पांड्या की इस बेहतरीन पारी के बाद सभी भारतीय खिलाड़ियों ने खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया। हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों में 71 रनों की धाकड़ पारी खेली। दोस्तों, आपकी राय में क्या हार्दिक पांड्या सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।